नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जिनका नाम है आस्था। तो आस्था जी से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जो देखते हैं इनका क्या राय है। ये भी एमए की स्टूडेंट हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आस्था जी आपसे है कि आपका ग्रेजुएशन आपके ऑप्शनल में कितना फ़ायदेमंद है? इन ग्रेजुएशन आई हैड टेकन पॉलिटी, सो मुझे लगता है कि जैसे प्री के साथ साथ मेरी मेंस में भी इसके ग्रेजुएशन होने की वजह से पॉलिटी में ग्रेजुएशन में पॉलिटी होने की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए मदद मिली है। जैसे कि मैंने 3 साल ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट को होने की वजह से बहुत ही अच्छे तरह से इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, बहुत ही अच्छे तरह से इस सब्जेक्ट को जाना है। तो मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होने की तौर पे ये सब्जेक्ट मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसकी प्रिपरेशन की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लॉकडाउन जो कि लगा था, अभी फिर से हो सकता है लग जाए, अभी कुछ भरोसा नहीं है, तो ये लॉकडाउन आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है? As we know that lockdown is disastrous period for whole the world, तो कहीं ना कहीं इसका negative impact तो पूरी दुनिया पर पड़ा है, पर ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ negative impact ही रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए हैं। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट होते थे वो दिल्ली मुंबई बाहर जाते थे, तो उनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हुई हैं, लेकिन जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई तो ऑनलाइन क्लास जो थी, इंटरनेट ऑनलाइन क्लास, इससे उन लोगों को मतलब ऑनलाइन तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, उन्होंने ऑनलाइन स्टडी की। मेरा लिया जाए तो मैंने लॉकडाउन में अपना मतलब उसको टाइम यूटिलाइज बहुत ज़्यादा किया, जिससे कि मेरी स्टडी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, क्या तैयारी अकेले रह के करना उचित है या फिर जैसे कि ग्रुप में करना है, और तैयारी के दौरान जो प्यार मोहब्बत ये सब होता है तो ये होना ज़रूरी है या नहीं? If we talk about group study and self study, then I think group study is better in all aspects. अगर हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो हमारे मतलब एक ही सब्जेक्ट पे कई व्यूज़ हमको देखने को मिलते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी इससे अच्छी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें मतलब वो सब्जेक्ट बहुत ही बोरिंग लगने लगता है, जबकि ग्रुप स्टडी करते हैं तो हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो टॉपिक को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, तो मुझे नहीं लगता कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने से कोई भी दिक्कत होती है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को तो आप ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। जैसा कि कनिष्क कतारिया सर जी ने अपने उसमें बताया है कि उन्होंने बहुत ही सपोर्ट पाया अपनी गर्लफ्रेंड से, और उन्होंने अपनी UPSC एग्ज़ाम को क्रैक होने के लिए अपना उनको श्रेय जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी दिया है। थैंक यू। मैं टीम IAS पॉइंट से अंजलि पांडे। मैं अभिनव जी से कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ UPSC से रिलेटेड। अभिनव जी, UPSC की तैयारी में ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई से क्या अंतर है? सबसे पहली बात तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो है दोनों ही मतलब आप देखेंगे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। सबसे पहली बार अगर हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई में जो है अभी फिलहाल देखेंगे तो कोविड चल रहा है, तो इस पैंडेमिक में जो है अगर संक्रमण से बचना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई बेस्ट होगी। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, तो अगर आप जो है समय की बचत चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है, क्योंकि आपको जाने आने में भी समय लगेगा और वहाँ आप जाएंगे आएंगे उसमें जो है जो समय बचेगा उसमें आप जो है घर पर रह कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तीसरा जो है आप अगर फाइनेंशली बात करें तो फाइनेंशली जो है ऑनलाइन पढ़ाई जो है बेहतर पड़ेगी ऑफलाइन से, क्योंकि वो ज़्यादा सुविधा देती है और उसके साथ साथ जो है मतलब अगर कोई गरीब वर्ग से है तो वो भी मतलब अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, सस्ते में दे सकता है पढ़ाई। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, UPSC के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आगामी परीक्षाओं में कितने मायने रखते हैं? मतलब कि अगर बताया जाए कि आप युद्ध में उतरना चाहते हैं तो आपको उसकी मतलब लड़ाई में जाने से पहले जो है आपको मतलब उसके पूर्व जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, ये कहा जाता है मतलब किसी भी युद्ध में उतरने से पहले। तो UPSC भी एक प्रकार का युद्ध ही है, तो हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के वो जो है हमको बताते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न आने वाला है, और उसके अलावा हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है,
और इसके अलावा भी मतलब हम ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हमको किस तरह से मूल्यांकन करना है। उसके अलावा भी हम स्वयं को भी मूल्यांकन कर सकते हैं, मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं। मेरा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है आपसे, स्मार्टफोन एशियन होना आपकी तैयारी में कितना बाधा पहुँचाता है? एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि अति सर्वत्र वर्जित, ये कहा जाता है कि अति हर चीज़ की ख़राब होती है। आप कोई अच्छी चीज़ भी हो उसकी भी आप मतलब अति कर देंगे तो भी ख़राब लगता है। तो इससे हम कहना चाहेंगे कि मतलब स्मार्टफोन तो अगर हम पैंडमिक की बात करें, इस समय ऑनलाइन जो सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ऑफलाइन तो कुछ रहा नहीं। तो अगर अभी यहाँ से हट जाएं हम तो ये नकारात्मक हो जाएगा काफ़ी, मतलब उससे हट के भी हम पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन आप जैसे ये होता है कि आप किस तरफ से मतलब किस तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उससे अगर व्हाट्सएप देख रहे हैं, मतलब ज़्यादा सोशल मीडिया बिजी हैं, तो नकारात्मक हो जाएगा। और वही चीज़ अगर आप अगर पढ़ाई पे ध्यान देंगे और यूट्यूब का सही इस्तेमाल करेंगे, ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, तो वो सकारात्मक हो जाएगा। यही है जी। थैंक यू विमल जी। से मेरा यूपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। विमल जी आप पहले अपने बारे में कुछ बताइए। जी, माय नेम इज़ विमल दुबे, आई एम स्टूडेंट ऑफ एमए इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ अवध यूनिवर्सिटी ऑफ इंटीग्रेटेड कल्चर एंड लैंग्वेजल प्रोग्राम। सो दैट्स इट। तो मैं यूपीएससी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप अपनी परीक्षा के दौरान जैसे आपको कोई टेंशन हुआ, यूपीएससी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे फेस कर सकते हैं? मैम, एज आई थिंक मुझे क्या लगता है कि इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, एज वी थिंक वी हैव मल्टीपल अप्रोचेज विच वी कैन अप्लाई, बट मोस्टली वी टेक्स प्रेशर ऑन द एग्ज़ाम टाइम एक्चुअली। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड डिप्रेशन, लाइक अवसाद भी जिसे कहते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि वी हैव टू स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस, वी हैव नॉट टू टेक अ लॉट प्रेशर ऑन एग्ज़ाम टाइम। ऑन स्ट्रेटेजिकली वी हैव टू टेक स्टेप्स बाय स्टेप्स एंड अ प्रॉपर यू नो यू कैन से कि हमें क्या है, एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर नहीं लेना है, हमें पहले से एक स्ट्रेटेजिक वे में हमें करते रहना है तैयारी। एंड वी हैव टू टेक द एग्ज़ाम एज अ वेरी नॉर्मल एक्टिविटी। We don't think that there should be very, you know, a very crucial issue as the exam is. If it not happens, then life is gone. It's just a normal thing as we do on daily basis. विमल जैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन है, यूपीएससी की तैयारी करते समय आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब आ सकती हैं, तो इन प्रॉब्लम को आप कैसे मैनेज करेंगे? मैम, जो मुझे लगता है कि by my view, I have faced the problems when someone relies on you by as you know family, social environment, they have a lot of expectations to you and they makes the pressure by their arguments that what are you doing now or then what you did in past, what will you do. So basically there should be an environment which is conveniently convinced for the student. So I think ki agar koi depend karta hai to usse expectation rakhni chahiye, lekin उस चीज़ को इतना ज़्यादा उसके ऊपर एलेबोरेट ना करें कि वो एक क्या कहते हैं ना कि वही प्रेशर वाली बात वो दब जाए। तो बेसिकली तो फैमिली वालों का ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है।